फरवरी से होगा ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से राज्यपाल ने सत्र आहूत करने के लिए वारंट जारी किया है। इस बार विधानसभा का ये बजट सत्र होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा अपना बजट इस सत्र में रखेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का सत्र जो है वो 10 फरवरी से होने जा रहा है। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने के निर्देश दिए हैं और इसमें इस बार विधानसभा का बजट ये सत्र होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरे कार्यकाल का अपना बजट रखेंगे, तो तीसरा ये बजट होगा। इस कार्यकाल की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के, तो विधानसभा का जो सत्र है वो 10 फरवरी से आहूत होने जा रहा है। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है इस बार के सत्र में? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यही है कि विधानसभा का सत्र, बजट सत्र 10 फरवरी से होना है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बन चुकी है जो राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देगी। लेकिन बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इस बार का सत्र खासा रोचक रहने वाला है। सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का जो बहुप्रतीक्षित फेरबदल है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। एक पक्ष ये कह रहा है, जो कांग्रेस के नीति नियंताओं के पॉलिसी निर्धारकों के करीब से जुड़ा हुआ है, कि बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं करेंगे क्योंकि इस बार फाइनेंस बिल पास होना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को ये भी उम्मीद है कि अजय माकन ने तारीख दे दी थी जनवरी की, कि जनवरी में राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, इसलिए वो हो जाना चाहिए। इससे पहले विधानसभा सत्र को लेकर के अलग अलग जगह मंत्री अपनी तैयारियां कर रहे हैं, विभाग की बैठकें ले रहे हैं क्योंकि सवाल आने हैं। विभागों के अंदर सवाल पहले से पहुंचना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों खुद स्पीकर सीपी जोशी इस बात को लेकर के सख्त निर्देश दे चुके हैं कि विधानसभा के जो सवाल हैं उनके जवाब देने में कोई भी विभाग लापरवाही ना बरते। इस लिहाज से सभी विभागों को अलर्ट भी रहना होगा और जब 10 फरवरी की तारीख आ गई है तो इस पर काम और तेज हो जाए। बहुत शुक्रिया शशि इस तमाम जानकारी के लिए। तारीख यहाँ पर आ चुकी है इस बार के विधानसभा सत्र की, 10 फरवरी से आहूत करने के जो निर्देश है वो राज्यपाल की तरफ से दिए गए। उधर खबर दौसा से, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कूद पहुंचा।